आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए आंसू बहाने की आदत मैंने बहुत देखी है। किसानों के साथ कैसा कैसा विश्वासघात किया गया है ये देश ने देखा है। कांग्रेस के समय कृषि के लिए कुल वार्षिक बजट होता था 25,000 करोड़ रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का बजट है 1,25,000 करोड़। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 7,00,000 करोड़ रुपया का धान और गेहूं किसानों से खरीदा था। हमने 10 वर्ष में करीब 18,00,000 करोड़ का धान गेहूं। कांग्रेस सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीदी नाम मात्र कभी कहीं की हो तो की हो, हमने 1,25,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का दलहन और तिलहन खरीद किया है। हमारे कांग्रेस के साथियों ने पीएम किसान सम्मान निधि का मड़ा उजाया, और जब मैंने मेरी पहली टर्म में ये योजना शुरू की थी तो मुझे याद है कि झूठा नैरेटिव की जो फैशन चल पड़ी है, गांव में जाके कहा जाता था कि देखिए ये मोदी के पैसे मत लेना, ये चुनाव एक बार जीत गया तो सारे पैसे ब्याज समेत तुमसे वापस मांगेगा, ऐसा झूठ फैलाया गया था। किसानों को इतना मूर्ख बनाने की कोशिश की गई थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पीएम किसान सम्मान निधि 2,80,000 करोड़ रुपये हमने भेजे। पीएम फसल बीमा योजना 30,000 रुपया का प्रीमियम, और उसके सामने 1,50,000 करोड़ रुपया मेरे किसान भाई बहनों को। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी भी मछुआरे पशुपालक की तो नामो निशान नहीं था उनके काम में। पहली बार इस देश में मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बना, पशुपालन के लिए अलग मंत्रालय। पहली बार पशुपालक को, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया ताकि कम ब्याज से उसको बैंक से पैसा मिल सके, वो अपना कारोबार बढ़ा सके। किसान और मछुआरों ये चिंता सिर्फ जानवरों की नहीं होती है, जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्थिक चक्र को चलाने में इन पशुओं की अभी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमने फूट एंड माउथ डिजीज, उससे हमारे पशुओं को बचाने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं, पहले कभी सोचा नहीं।